अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ सना जावेद इंस्पायर्ड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न शेयर करूंगी और इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप प्लीज़ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर दें। तो स्टार्ट करेंगे हम इस मोटिव से जो कि शर्ट पर बनेगा। इसके लिए मैंने नक्शी ली है और इस नक्शी से बनेगी इस फ्लावर की आउटलाइन। नक्शी पर लगाएंगे हम स्टिचेस। इसके लिए आपको नक्शी को हल्का सा खींचना है ताकि धागा इसमें फंस जाए और फिर हमने इस पर स्टिच लगा देना है। ऐसे बहुत नीटली आपका स्टिच लगता जाएगा। बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे हम ताकि धागा बस इसमें फंस जाए। ऐसे ही सारे स्टिचेस लगाकर हमने ये फ्लावर नीटली बनाना है। जब हमने नक्शी शुरू करनी है तो इसके किनारे में हम सुई डालेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाकर उसे बाहर निकालेंगे ऐसे, और फिर उसे फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ऐसे बहुत अच्छे से इसका एंड क्योर हो जाएगा और ये अच्छे से फैब्रिक पर अटैच हो जाएगा। आगे फिर स्टिचेस लगाते जाने हैं इस पे और इसके एंड भी ऐसे ही हमने सिक्योर कर लेना है। पूरा फ्लावर हमने ऐसे ही आउटलाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर गोल्डन सीक्वेंस, इन्हें बस हमने रैंडमली पूरे फ्लावर की पेटल्स में लगा देना है। ऐसे पूरे फ्लावर में बस फैला दिए हैं मैंने सीक्वेंस। अब ऊपर भी यहाँ पर बड़े सर्कल में गोल्डन सीक्वेंस ही लगेंगे। पहले हम पूरी आउटलाइन बनाएंगे। फिर इसके आसपास हमने ऐसे ही बस सितारे फैला देने हैं। अब यहाँ पर मैंने दो साइज के पल्स लिए हैं और वो अटैच करने हैं। याद रहे इन पर डबल स्टिचेस लगेंगे। फिर मैंने लिए हैं ये पर्पल सीक्वेंस। आपको यहाँ पर गोल्डन नजर आ रहे होंगे लेकिन ये बस इन पर शेड पड़ रहा है, कलर इनका पर्पल ही है। यहाँ पर भी हमने नीचे गोल्डन सर्कल जैसे बनाया था वैसे ही हमने ये दोनों छोटे सर्कल्स भी बनाने हैं इन पर्पल सीक्वेंस से। ऊपर कम्प्लीट करने के बाद अब मैंने लिए हैं छोटे बड़े राइनस्टोन्स, इन्हें लगाना है हमने इन सीक्वेंस के सेंटर में और नीचे। कंप्लीट होकर हमारा मोटिव इस तरह का लगेगा। अच्छा, इनके ड्रेस पे जो पॉकेट है उस पर ये वाले बीड्स लगे हुए हैं। मेरे पास अभी ये व्हाइट में है लेकिन ड्रेस पे मल्टी शेड में लगे हैं। जैसे मेरे पास ये वाले बीड्स हैं, इनमें जिस तरह का मल्टी शेड है वैसा ही लगेगा इस शर्ट पर। और इसके ट्राउजर्स पे लगेंगे स्टार्स सीक्वेंस, और जो इनका दुपट्टा है उस पर ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये सीक्वेंस लगे हुए हैं। और ये कैसे लगेंगे इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज का डिज़ाइन, आज की एफर्ट अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।